जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज आतंकवादियों ने उरी जैसी घटना दोहराने की कोशिश की। सेना के एक कैंप पर आत्मघाती हमले को अंजाम दिया गया। सेना के कैंप में घुसकर हमला करने की यह पूरी साजिश रची गई, लेकिन उससे पहले ही आतंकी मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। सेना की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। हालांकि इस घटना ने देश में अपने 3 जवानों को भी खोया है। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर परगल आर्मी कैंप पर हमले की यह साजिश थी। परगल में सेना की एक कंपनी की ऑपरेटिंग बेस है, जिस पर हमला करने के लिए आतंकवादियों ने बीती रात कोशिश की और इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हुई। सेना ने और जवानों को मौके पर परगल आर्मी बेस के लिए रवाना किया और फिर मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन इस इलाके में सेना अभी भी अलर्ट है, हथियारों के साथ जवान पूरी तरह तैनात है। पहाड़ों के ऊपर से निगरानी की जा रही है तो सड़कों पर से गुजर रहे एक एक शख्स की तलाशी भी ली जा रही है। तो राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला बोला गया, मुठभेड़ में दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। एक एक शख्स की तलाशी ली जा रही है। अभी भी सेना हरकत में है, पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए उस ढेर हुए आतंकवादी की, बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। और राजौरी के परगल में सेना के जिस कैंप पर हमले किए आतंकवादियों ने प्लान बनाया था, वो एक सीओबी है। सीओबी मतलब कंपनी ऑपरेटिंग बेस। ये सेना का सबसे छोटा कैंप होता है, जिसमें सेना की एक कंपनी के जवान होते हैं। इस बेस में 100 से 150 जवान होते हैं। सीओबी का कमांडर एक मेजर रैंक का अधिकारी होता है। तो परगल के सीओबी पर हमला करने की पूरी साजिश रची गई। कंपनी ऑपरेटिंग बेस और जो कमांडर होता है सीओबी का, वो एक मेजर रैंक का अधिकारी होता है। सीओबी जो है वो सेना का सबसे छोटा कैंप होता है, उस पर हमला करने की ये साजिश आतंकवादियों के द्वारा रची गई। सीओबी में एक कंपनी के 100 से 150 जवान होते हैं। मेजर रैंक का जो अधिकारी होता है वो कमांडर होता है इस पूरे सीओबी का। तो ये जो आतंकी हमले की साजिश रची गई, इसको नाकाम किया गया। दो आतंकी मार गिराए गए। राजौरी में आतंकी कार्रवाई में हमने अपने 3 जवानों को खो दिया है। उन तीनों शहीदों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। उनके नाम हम आपको बता दें, सूबेदार राजेंद्र प्रसाद, राइफलमैन मनोज कुमार, राइफलमैन लक्ष्मणन जी। तो 3 वो बहादुर जो इस पूरे हमले में शहीद हुए। मुंहतोड़ जवाब सेना के द्वारा दिया गया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। अजय बाचलू ज्यादा जानकारी लेकर हमसे जुड़ रहे हैं। अजय, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन नुकसान हमारा भी हुआ और 3 सेना के ये जवान शहीद हुए। अब इस समय का क्या स्टेटस है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सेना ने अभी भी उस इलाके को खाली नहीं किया है, घेरा हुआ है और सर्च चल रही है? जी बिल्कुल, अब उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरहाल से ये परगाल का जो इलाका है, करीब 6 किलोमीटर का इलाका है और यहाँ पर दरहाल में ही सारी आवाजाही रोक दी गई है। परगाल की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं यहाँ पर सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, वो लगातार यहाँ पर सर्च चला रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी शोभना यह है कि ये जो इलाका है, ये काफी दूर दराज का इलाका है, जंगल का इलाका है और साथ में बारिश बहुत हो रही है। बारिश के चलते यहाँ जो है ऑपरेशंस में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लगातार सुबह से जम्मू के साथ साथ राजौरी, पुंछ और बाकी जिलों में जिस तरह से बारिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बनी हुई है। लेकिन हाँ, फिलहाल पूरी तरह से आवाजाही रोक दी गई है। किसी को भी दरहाल से परगाल की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। पूरा वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और व्यापक पैमाने पर वहां जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चोपड़ा, तो बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता अजय बाचलू देते हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उन आतंकवादियों की जिन्हें ढेर किया गया। सुन लेते हैं पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। 3 कैजुअलिटीज हुई हैं, जो फौजी जो जवान शहीद हुए हैं, दो 3 जो हैं वो इंजर्ड हैं, जो जिनको मतलब फौजियों को आगे बताया जा रहा था, 2-3 दिन से आगे जो है वो आर्मी हॉस्पिटल में फर्दर इलाज के लिए भेजा गया। सर, कुछ इनपुट था क्योंकि कोई कह रहे कि 2-3 दिन से घूम रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में भी इनको देखा गया। हाँ, ये कोई इनपुट आई थी जो दराल टाउन के लिए, तो उसपे जो है वो काम फौज और पुलिस कर रही थी और कुछ इलाके का गार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे थे,
तो इसका जो है वो प्रेजेंस का जो है इसके जो है क्योंकि वेजिटेशन है तो यही ना ये सिर्फ द्राहल ही नहीं बाकी ला। और राजौरी में आतंकी प्लान को नाकाम करने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि फिदायीन पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौत के घाट उतार कर जवानों ने की बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दोनों फिदायीन हमलावर आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के दरहाल क्षेत्र में मौत के घाट उतार दिया है। हमारे भी तीन जवान उस सारे ऑपरेशन में शहीद हो गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त के आसपास जो आतंकियों ने एक योजना बनाई थी उसको नाकाम किया। तो सेना को बड़ी कामयाबी मिली, दोनों फिदायीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि तीन सेना के जवान भी इस पूरी साजिश के चलते शहीद हो गए और मुंहतोड़ जवाब सेना ने आज दिया। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।